तो गाइज यहाँ पे हमने पेट्रोल डाला, एकदम फुल टैंक कर लिया है तीनों बाइक का, ठीक है, क्योंकि आगे पेट्रोल मिलेगा बहुत दूर, इसीलिए हमने फुल टैंक कर लिया है। और एक एक बैरल हमारे पास है, वो भी एक्स्ट्रा है। अभी हम लोग है एक फाउंटेन के पीछे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हम पांचों अभी हिमालयन, ये अंकल लोग हमारे साथ ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, अंकल का एज है 65, फिर भी राइड करना नहीं छोड़े। और ये वाला मेरा अलग ही लेवल का फील आ रहा है बाइक चलाने में, ये रेस्पॉन्सिबल बंदा उसके वक्त होना है रेस्पॉन्सिबल लेना। ये वाला मेरा पार्टनर, तो आप देख सकते हैं गाइस अभी फिलहाल रास्ते का काम चल रहा है इसलिए हम सब अटक गए हैं, बहुत जैम है और रास्ता भी आप देख सकते हैं हम सबसे आगे आगे इस कीचड़ को पार करते हुए, लंबा चलने वाला है रास्ता, चारों ओर कीचड़ कीचड़ हो गया क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है, रेनकोट भी पहन ले इसीलिए। आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट चेक पोस्ट, ये आप देख सकते हैं ये है सिक्किम का नॉर्थ जाने का फर्स्ट चेक पोस्ट जहां पे आपको अपना परमिट शो करना पड़ेगा। गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच गए लाचेन में, लगभग हमें पहुंचने में शाम हो गया और उसके बाद हमने यहां पे एक रूम लिया जहां यहां पे लाचेन में एक सिस्टम है कि यहां पे पर हेड हिसाब से आपको पैकेज लेना होगा, मतलब होम स्टे है उसमें आपका डिनर लंच और स्नैक्स इंक्लूड रहेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आपका सब कुछ मिला के ये लोग पर हेड हिसाब से ले रहे हैं। हमें ये लोग 1000 रुपये पर हेड बोल रहे थे लेकिन हमने बात करके 50 रुपये कम करवाया पर हेड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर दिया है, ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, नीचे लगभग 60 किलोमीटर लाचेन से 60 किलोमीटर नीचे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये इन लोगों का रिसेप्शन है, सब खाना यहाँ पे बन जाएगा, आपको बोल देना है कि आपको क्या खाना है, सब इंक्लूड मिला के ही रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाचेन में रूम लिया है, ठीक है, तीन लोग रह सकते हैं एक रूम में, तो हमने दो रूम ये लिया। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, डाइनिंग टेबल जहाँ पे आप आके आराम से आप डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ आज रात के लिए, कल सुबह हम लगभग 6 बजे के करीब कुरुदम्बा के लिए निकलेंगे। डिनर वगैरह रेडी है। मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल बज रहे सुबह के 5:30, देख सकते हैं आप, हम फिलहाल जाएंगे गुरुदम्बा लेक जो कि यहाँ से लगभग 3 घंटा दूर है, लगभग 60 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी जो है उसका ऑल्टीट्यूड है 9000 फीट और यहाँ से हम उठेंगे डायरेक्टली 17,400 फीट, तो आप सोच सकते हैं 8000 फीट गेन होगा सिर्फ 3 घंटे में, तो ऑल्टीट्यूड गेन बहुत ज्यादा है, इसीलिए लेयर अप जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए और पानी पीते रहिएगा, जब से आप गैंगटॉक पहुंचेंगे तब से आप पानी पीना शुरू कर दीजिएगा, वरना वहां ऊपर जाके आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए सबको कहते हैं कि गुरुदम्बा लेक जाने से पहले आपको 1 दिन या 2 दिन पहले से ही बहुत सारा पानी पीना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। हो चुके हैं लगभग 1.5 घंटे 15 मिनट में हम निकल जाएंगे, इतना ज्यादा मैंने लिया था, सब लेयर अप कर लिया है 3-4, क्योंकि ऊपर जो है हवा बहुत ज्यादा चलता है और बर्फ भी ज्यादा है, तो मैंने 2-4 स्लैश प्रूफ पहन लिया है ताकि अगर हल्का फुल्का बारिश हो तो इसी में कवर हो जाए। उसके बाद भी हम लोग रेनकोट लेने वाले हैं ताकि अगर बारिश ज्यादा होने लग गया तो
हम गीला ना हो, क्योंकि अगर गीला हो चुके तो रात को या फिर शाम को हम जो वापस जाएंगे वो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम सब लेयर अप कर चुके हैं। हमारा ब्रेकफास्ट अभी हो चुका है, हल्का उल्का थोड़ा बहुत दो दो करके पेट और एक एक करके टी लेके हमें तो अभी हमको निकलना है। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ रेनकोट कैरी किया, आज यहाँ पे बांध लिया है मैंने, ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं लिया। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, आप देख सकते हैं पीछे है माउंटेन्स और चारों ओर माउंटेन्स, और आप देख सकते हैं हमने थोड़ा बहुत चेन स्प्रे लिया है क्योंकि जो कीचड़ वगैरह था वो थोड़ा फंसा हुआ था चेन में तो आवाज कर रहा था, इसलिए हमने थोड़ा बहुत चेन स्प्रे ले लिया। उसके बाद हम जाएंगे, अभी देख सकते हैं आप इधर माउंटेन इधर माउंटेन, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आज जल्दी निकलना है, वेदर खराब होने से पहले वापस भी आना है। चलो निकलते, हर हर महादेव। जन्नत गाइस, मजा आ रहा है, चारों ओर स्नो और हम जाते हुए मिडिल से बाइक लेके, सपना पूरा हो रहा है लग रहा है, वाओ। Look at this! Wow! It's so big. Let me show you the swarg. Right now we are inside our swarg. देख सकते हैं आप. तो गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गुरुधाम वाले, और मिल में हमें ये वेलकम टू यहाँ पे फोटो, वाव। चलो दिशा में चलो जा, पीछे आप देख सकते हैं यही है वो जगह, वाह।
जोश का गर्मी लग रहा है मेरे को अभी। गाइस आप देख सकते हैं यही है वो जगह जिसको गुरुदोंबा लेक कहते हैं। ये एक हॉली प्लेस है, आप यहाँ आके प्रे करना बिल्कुल मत भूलना। तो बहुत मुश्किल और बहुत सारे एडवेंचर के बाद हमने ये ट्रिप कंप्लीट किया। सबसे मुश्किल और डिफिकल्ट जो था लास्ट 1 किलोमीटर आपको पूरा खराई है और बाइक लेके सबसे ज्यादा लोग वहीं गिर रहा है, तो हमने भी 2-3 को उठाया। हम भी गिरते गिरते बचे लेकिन गिरे नहीं भगवान की कृपा से। लेकिन वो भी एक एडवेंचर है ना कि आप गिरोगे फिर उठोगे, यही तो मजा है ना पहाड़ों का। और एक बात, अगर आप बाइक लेके नहीं आ रहे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मजा कितना है यहाँ पे। सांस का प्रॉब्लम तो है लेकिन थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना माउंटेन आके। ये लेक बीच में से जमा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा नहीं पर बीच में से, इसीलिए आपको कहीं भी कोई भी ग्रीनरी नहीं मिलेगा और इसीलिए ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। माउंटेन वगैरह आप देख सकते हैं, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द हिमालयन बाइक, व्हाट अ कॉम्बिनेशन।